गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर न्यू क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड इन टूडेज पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैट्रिमोनियल्स. नाउ व्हाट आर मैट्रिमोनियल्स? मैट्रिमोनियल्स का होता है, मतलब होता है वैवाहिक, है ना. इसके अंदर वर और वधू, इनके लिए आप ऐड देते हैं, ठीक है. तो कुछ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स, क्या है एसेंशियल्स, कौन सी आवश्यक बातें हैं जो हमको इसमें लिखनी ही हैं या जिसका उल्लेख हमको करना ही है. तो उसके लिए मैं ये आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है. चलिए, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बिगिन विथ. आपको किससे प्रारंभ करना है? चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा. मैं थोड़ा शुरू से लिख देता हूँ. अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया था कि गुरुजी राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखो. कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको जूम करके थोड़ा आपको दिखा दूँगा. अब इसमें हम लिख रहे हैं एसेंशियल्स, आवश्यक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं. तो सबसे पहले हमको लिखना है बिगिन विथ वॉन्टेड, या तो हमें चाहिए या अलायंस और प्रपोजल. रिश्ता कराना है या हमको रिश्ता मंगवाना है, ठीक है. इसके बाद में प्रपोजल के बाद में आपको लिखना है इनवाइटेड, आमंत्रित है. मैं आपको थोड़ा इसको बना के बताऊंगा तो समझ जाए, जल्दी जाएंगे आप, ये थोड़ा सा अलग है ये. फिर आपको ये लिखना है, स्टेट का मतलब राज्य ने ये दर्शाना है कि बॉय है या गर्ल है, ओके. उसके बाद में फिर आपको उसको लिखना है एजुकेशनल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके संबंधित, ठीक है. उसके बाद में आपके हो जाएगा इनकम, फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे एज, हाइट, कम्प्लेक्शन, कलर, रंग कैसा है, कास्ट, जाति, सब कास्ट, उपजाति और ये क्वालिटीज सॉर्ट इन पार्टनर, ठीक है. मैं इसकी स्क्रीन से हटके थोड़ा सा आपको जूम इन करके समझाने की कोशिश करूँगा. मेरी आवाज़ ही आएगी केवल आपको, अभी आप देखते रहिएगा. देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाता है आपके, ये आ गया, ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ मैट्रिमोनियल्स में एसेंशियल्स में सबसे पहले आप देख रहे हो बिगिन विथ. आपको किससे प्रारंभ करना है? आपको प्रारंभ करना है वॉन्टेड, अलायंस और प्रपोजल इन्वाइटेड. या तो आपको क्या लिखना है, हमको चाहिए, क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, दूल्हा दुल्हन क्या चाहिए, अलायंस और प्रपोजल इन्वाइटेड. फिर सेकंड नंबर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ, स्टेट. स्टेट का मतलब ये दर्शाना है कि लड़का है या लड़की. फिर आपको चलना है एजुकेशनल या और उसकी पर्सनल इन्फो. फिर आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद में आप क्या देख पा रहे हो,
तो उसमें आप देखेंगे कि इनकम, एज, हाइट और कम्प्लेक्शन। अब एज का मतलब उम्र हो गया, हाइट ये कैसे लिखनी है मैं बताऊंगा आपको, कम्प्लेक्शन, फिर कास्ट, सब कास्ट हो गया, और फिर लास्ट लाइन में देखिए आप क्वालिटीज, शॉर्ट इन पार्टनर। क्वालिटीज का मतलब क्या होता है, गुण, और शॉर्ट का मतलब हम क्या चाहते हैं इन पार्टनर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखी इसमें कि एक एडवर्टीजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब मैं वो चीज़ शुरू कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, उनका कलेक्शन आपको इसमें लिखना होगा। अब इसमें क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए आएंगे इसमें, दीज आर न्यू वर्ड्स, तो इन नए वर्ड्स को आपको अच्छे से चयन करना है, लिखना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी मैं, और मैं लिख भी रहा हूँ साथ में आपके, देख आप देख लीजिएगा, मैट्रिमोनियल्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज्ड, कौन कौन से यूज्ड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, देखिए जब आप किसी की हाइट लिखेंगे, हाइट देखिए, एज, हाइट और वेट, क्या लिखा मैंने, एज, हाइट और वेट, ये तीनों एक साथ लिखे जाते हैं। सपोज एज है 25, ठीक, अब हाइट लिख रहा हूं मैं 5'6", ये ऐसे लिख रहा, देखो मैं ना बड़ा करके लिख रहा हूं, 5 के ऊपर एक डैश और 6 के ऊपर 2 डैश, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चले, तो ये क्या लिखा, 25, 5'6" और अब आपका वेट, वेट 55 kg। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, आपको एक एक चीज वर्ड को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में आपको, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल लिख देते हैं, 25, 5'6" और 55 kg। ठीक सर, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं लिख रहा हूँ जिनको आप समझते रहिए, जैसे CASTE, कास्ट, नो बार। ठीक है, ये फिर आगे बताता हूँ मैं इसका मीनिंग क्या होगा, आप मेरे साथ ये बाद में लिखने की कोशिश करें, नो डाउरी, अर्ली मैरिज। ठीक है, उसके बाद में इनकम इन 6 figures। ठीक है, उसके बाद में आपको कास्ट हो गया, कास्ट नो बार हो गया, नो डाउरी, अर्ली मैरिज, इनकम इन 6 figures, रिसेंट फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें काम आती रहेगी, हम अलग अलग तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये एक आ गया, जैसे फिर नॉन मांगलिक, आप इसको चाहे तो मांगलिक भी लिख सकते हो, मांगलिक एक ऐसा दोष होता है कुंडली में कि उससे उनसे कोई विवाह करना पसंद नहीं करता है, या मांगलिक मांगलिक में ही होता है, इस तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, मैं वापस एक बार आपके वीडियो के पीछे जा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं देखिए मैं इसको अब जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ अब आप देख पा रहे हैं, आप एज, हाइट और वेट, 25, 5'6", 5 के ऊपर 1 comma है और 6 के ऊपर 2 है और 55 kg, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर आ गए आप कास्ट नो बार, कास्ट नो बार का मतलब जाति का कोई बंधन नहीं है, समझ में आया आपको, क्या आया समझ में, जाति का कोई बंधन
नहीं है। कास्ट यानी जाति, नो बार, बार का मतलब होता है अवरोध, यानी जाति का कोई अवरोध बंधन नहीं है। फिर लिखा हुआ आप देख पा रहे हो नो डोरी, नो डोरी का मतलब है कोई दहेज नहीं। और फिर क्या है अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज का मतलब जल्द ही विवाह होगा, जल्दी विवाह करना है, यानी देर नहीं करनी है। फिर देखिए आप इनकम इन सिक्स फिगर्स, तो इनकम इन सिक्स फिगर्स का मतलब होता है जो उसकी इनकम है बच्चे की आय है वो 6 अंकों में है। फिर देखिए आप एक और इसमें है रिसेंट फोटोग्राफ का मतलब होता है नवीनतम आवक्ष, तो यानी कि आपका लेटेस्ट फोटो। कभी कभी क्या होता है लड़के के पुराने फोटो या लड़की के पुराने फोटो भेज दिए जाते हैं। और फिर है नॉन मांगलिक, यानी कि लड़का लड़की है जो भी हो मांगलिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देखा अभी है ना, ये चीज़ हमने क्लास में आज हमने पढ़ी है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हो। अगली क्लास में हम पहले बनाएंगे 2-3 ऐड बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर लेसन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड दिस इज द पार्ट 6 हिंदी मीडियम ध्यान दें, पूर्ण प्रतियोगी बाजार पढ़ रहे हैं अपन और उसका ये 6ठा भाग है। पहले वाले भागों में हमने इसके आकृतियों के बारे में, अलग अलग बाजारों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट्स, तो अलग अलग तरह के बाजारों के बारे में हमने पढ़ा और उसमें कैसे डिमांड होगा, कैसे सप्लाई होगा, क्यों होगा और उनका शेप, सप्लाई कर्व का शेप कैसा होगा। जैसे किसी में हल्का स्लांटिंग है, किसी में ज़्यादा स्लांटिंग है और लार्ज में थोड़ा ज़्यादा स्लांटिंग है, और वेरी लार्ज में तो हमने डायग्राम बनाया ही नहीं क्योंकि उसमें तो बहुत सारे प्राइस हो सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है और बहुत सारी डिमांड और बहुत सारी सप्लाई हो सकती है, तो मे बी उसका जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ तक जा रहा है हमको पता ही नहीं क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, कब से लेके पता नहीं कब तक चल रहा है, जब तक हमारी स्टडी ख़त्म होगी तब तक भी वो चलता ही रहेगा, तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे, इसलिए उसका कोई डायग्राम नहीं। उसके बाद हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सारणियाँ पढ़ी, मतलब टेबल्स पढ़े। एक टेबल था जिसमें सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ा, मतलब पूर्ति और मांग के बारे में पढ़ा। पिछला जो टेबल था मतलब सारणी थी उसमें उसके आय मतलब रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, तो रेवेन्यू में क्या था, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू था, कैसे वो ऐसी रहती हैं वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अपना लास्ट जो टॉपिक बचा है इस लेसन का वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो ये एक ही टॉपिक बचा है, इसको हमें अब इसका ये लास्ट पार्ट है 11th लेसन का, इसमें हमें अब ख़त्म करना है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब इस मैं लिख भी लेती हूँ हिंदी में भी क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लार्ज नंबर ऑफ, नंबर के बाद मैंने NO के बाद पॉइंट लगाया, मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हिंदी में अधिक संख्या क्रेता और विक्रेता की, क्रेता तो पता ही होगा, क्रेता मतलब खरीदार और विक्रेता मतलब बेचने वाला, हिंदी मीडियम क्रेता विक्रेता भी पता होना चाहिए, नॉर्मल हिंदी में भी ये जो मतलब अपनी किताबी भाषा है जो आपको लिखनी है इसलिए मैं वो किताबी भाषा में लिख रही हूँ। इंग्लिश मीडियम ध्यान दें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो इस बाजार में बहुत सारे बेचने वाले होते हैं तो बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। अब ये मार्केट कैसा है कि इस मार्केट में इतने सारे बेचने वाले क्यों हैं, तो उसका कारण ये है कि इस मार्केट में आना आसान होगा, आना मतलब एंटर करना,
बेचने के लिए आसान काम होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कपड़े की दुकान, मेंस वियर है एक, मेंस वियर मतलब जेंट्स के कपड़े जहाँ मिलते हैं। अब ऐसी दो दुकानें पास पास में हैं, दोनों मेंस वियर बेचती है, मतलब जेंट्स के कपड़े बेचती है, पुरुषों के या छोटे लड़कों के भी वगैरह। अब ये दोनों दुकानें आपस में कॉम्पिटिटर तो हो ही गई, प्रतियोगी हो ही गई, है ना, इनका कॉम्पिटिशन है ही एक तरह से। क्यों? क्योंकि एक दुकान में जो आदमी खरीदने गया उसको वहाँ समझ में नहीं आया, वो पास वाली दुकान में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों वो सेम ही चीज़ें, मतलब मेंस वियर ही है, वो आदमी मेंस वियर खरीदने के लिए अंदर गया, ये तो नहीं कि वो अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदने के लिए अंदर गया, नहीं, मेंस वियर खरीदने के लिए ही गया है। पर उसको वहाँ पे हो सकता है कि जैसा कलर चाहिए जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, तो पास वाले दुकान में गया। अब जब इस दुकान से वो निकल रहा है तो इस दुकान वाले उसको बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, रोकने की मतलब ऐसे नहीं, नहीं नहीं रुक जा, जा मत, ऐसे नहीं, उसको मतलब किसी न किसी तरह से कन्विंस करेंगे या उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको बहुत सारे प्रोडक्ट बताएंगे फटाफट, और अरे रुक जाओ, ये देखो ये देखो, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ से निकलेगा पास वाली दुकान में जाएगा, पास वाली दुकान में गया मतलब वो वहाँ से खरीद सकता है, क्यों, यहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसको वहाँ मिल गया तो वहाँ खरीदे गए, खरीदने के मूड से आया इंसान, तो इसको अच्छे अच्छे दूसरे प्रोडक्ट बता दो कि ये जो सोच रहा है वो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही, उसको छोड़ के वैसी ही दूसरी चीज़ पे इसका कन्विंस कर लो, क्योंकि कंपटीशन मार्केट है। तो यही होता है कंपटीशन मार्केट में, एक दूसरे का कंपटीशन चलता है, बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अब वो बेचने वालों के सामने ये टास्क है कि अगर अपने पास आया, एक तो अपने पास लाना जिसको खरीदना है उसको, देखो दुकानों के बाहर भी एट्रैक्टिव सा एलिवेशन टाइप या ऐसा शो या ऐसे कोई छूट या मतलब ऐसे ऑफर्स वगैरह रखते हैं जिससे दुकान में लोग आए, शॉप में लोग आए, और आ गए तो फिर उनका काम ये, आ तो गया अब इसको बेचो, मतलब इसको सेटिस्फाई करो, या खरीद के ही जाना चाहिए। दुकान वालों में इसलिए बहुत टेक्निक होती है, आप भी बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हो तो देखते हो कोई दुकान वाला होता है, मतलब इतना कन्विंसिंग होता है, आपसे इतने अच्छे से बात करेगा जैसे कि आपके पड़ोस में ही रहता है, आपको अच्छे से जानता है वो, जबकि आप पहली बार गए हो, मतलब उसका पर्पज़ ये है कि कुछ भी करके क्या करना है, कन्विंस करना है, उसको खरीदवाना है प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी दुकान वाला है जो मतलब उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो लोग वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट होते हुए भी उस शॉप पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उतना कन्विंसिंग नहीं है, वो इजीली चीज़ें शो नहीं करता या मतलब उतना फेवरेबल उसका बिहेवियर नहीं है। तो अब परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में अपना खुद का बिहेवियर, कन्विंसिंग नेचर, थोड़ी सहन शक्ति, वो सब भी एक मतलब पार्ट ऑफ बिजनेस है ना। मीठी जुबान जिसकी होती है उसके चने भी बिक जाते हैं ऐसा बोला जाता है, तो बहुत मीठी जुबान रखनी पड़ती है बेचने वालों को, है ना, मतलब बहुत अच्छी टोन में बात करनी है। तो भड़क के बात करेगा, गुस्सा करेगा, तो वो सामने वाला बोलेगा अरे जा रहे बहुत सारी दुकान है, क्या है इस इधर से खरीदना ही नहीं, बोले कितना भी अच्छा बेचे, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें भी पड़ी रह जाएंगी। तो यही है कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ बायर रहते हैं, तो उन बायर का सॉरी सेलर होते हैं, बायर तो होते ही हैं, बायर मतलब खरीदने वाले, सेलर मतलब बेचने वाले, तो सेलर का यही मकसद होता है, बेचने वालों का मतलब विक्रेता का, कि अच्छे से अट्रैक्ट करें, मतलब जो बेचने खरीदने वाले लोग हैं उनको अपने शॉप में बुलाएं, अपने प्रोडक्ट लेने के लिए उनको किसी तरह कन्विंस करें, अट्रैक्ट करें, ऑफर्स दें, ठीक है। तो यहाँ नंबर्स ऑफ बायर और सेलर होते हैं। दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब समरूप वस्तु, समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब समरूप वस्तुएं। अब समरूप वस्तुओं का क्या है, समरूप वस्तुओं का ये है कि एक जैसी वस्तु,
सेम साइज, सेम शेप, सेम पैटर्न, मतलब काफी हद तक एक जैसी। तो यहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में ये होता है कि जो बेचने वाले, बहुत सारे बेचने वाले हैं, लेकिन उनके पास जो चीज़ होती है वो सभी के पास एक जैसी होती है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर अपने पास थोड़ी भी अलग चीज़ है तो अपन दूसरे से आगे निकल सकते हैं, लोग अपने पास आएंगे खरीदने, लेकिन उसके पास भी वही चीज़ है, अपने पास भी वही चीज़ है, तो फिर कॉम्पिटिशन कैसे होगा, है ना। मतलब कंपटीशन तो होगा, बहुत टफ कंपटीशन होगा, लेकिन अपन उसको कम्पीट कैसे करेंगे, मतलब उसको पीछे कैसे करेंगे, उससे आगे कैसे निकलेंगे, बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है समरूप वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं, सेम साइज, सेम पैटर्न, सेम शेप, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, इस तरह के ये लोग बेचते हैं। तो इसमें कस्टमर को अपने पास बुलाना और उससे ना खरीद के अपन से खरीदे, इसके लिए इनको बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगला थर्ड है फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फॉर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट एग्जिट ऑफ फर्म्स। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म का मतलब है निर्बाध 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 प्रवेश एवं बहिर्गमन। देखो ये तो टिपिकल अपनी किताब वाली लैंग्वेज है, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल हिंदी में कि बिना मतलब बिना रोक टोक के इस मार्केट में कोई भी आ सकता है, बायर भी और सेलर भी, मतलब बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, और वापस जा भी सकता है। ये मैंने पहले ही बताया, कोई भी यहाँ पे नया बेचने वाला आ सकता है और नया खरीदने वाला आ सकता है, और जब चाहे तब इस मार्केट को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है, थोड़ा आगे जाते हैं अपन। फोर्थ है, अब मैं लिखती नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, और 15 मिनट से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप बुक लेकर बैठो हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो आप देखते जाओ। हिंदी में बोल सकते हैं कि मोबिलिटी का मतलब है कि वो अपने स्थान परिवर्तन कर सकता है, मतलब उस मार्केट में कहीं पे भी बेच सकता है। मतलब जो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर का मतलब होता है लैंड लेबर मशीनरी, मशीन्स, टूल्स भी आते हैं उसमें, मशीन में टूल्स, प्लांट्स, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब एक काम करने वाला किसी भी, कोई मजदूर है या कोई एम्प्लॉय है, तो वो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में जाके काम कर सकता है, या मशीनरी कोई भाड़े पे देता है तो वो किसी को भी दे सकता है उनमें से, जहाँ पे उसको सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मूवेबल होती है। उसके बाद है परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर एंड सेलर। देखो यहाँ पे जो खरीदार आते हैं और जो विक्रेता होते हैं, मतलब जो बेचने वाला और खरीदने वाला होता है, उनको इस मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, पूरा नॉलेज लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई सस्ते में बेच रहा है या कोई अलग बेच रहा है, सब एक जैसा बेच रहे हैं और एक ही भाव में बेच रहे हैं, मतलब उन्हें एक के पास भी जाएंगे तो पूरे मार्केट का नॉलेज मिल जाएगा खरीदने वाले को भी। आगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट मतलब किसी और, मतलब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते ना अपन गाड़ियों में भर के, और यहाँ से वहाँ यातायात का जो खर्च है वो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर। यहाँ पे कोई यातायात का खर्च नहीं होता, क्योंकि ऐसे बाज़ार
वहीं होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर वहीं बनती हैं और वहीं पे ज़्यादातर बिकती है। तो यहाँ यातायात खर्च लगता ही नहीं है, इसलिए प्राइस में कोई फेरबदल होता ही नहीं है। तो कोई चीज़ दूर जाएगी तो उसमें यातायात खर्च ज़्यादा होगा तो वो महंगी हो जाएगी, कोई पास में ही बिक रही है तो वो सस्ती बिकेगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यातायात खर्च या तो एक जैसा होता है सब में या फिर होता ही नहीं। प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, देखो फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। फर्म्स में भी सेल एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाय एक्सेप्टिंग द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। फर्म प्राइस टेकर होता है, टेकर मतलब फर्म जो होता है उन्हें प्राइस को मानना पड़ता है, कीमत को मानना पड़ता है। जो भी कीमत फिक्स होती है वो सारे फर्म को माननी पड़ती है, और जो भी मात्रा होती है उसको वो एडजस्ट उसी हिसाब से करते हैं जैसे फिक्स किया जाता है। उन्हें कोई मतलब सब फर्म मिलके प्राइस फिक्स करते हैं, जैसे मंडी में जाते हैं एक ही भाव चलता है ना वैसे। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कॉम्पिटिशन गला काट प्रतियोगिता होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक एक का गला काटने लग जाते हैं, वो नहीं। गला काट प्रतियोगिता ये है कि अगर मैंने पहले ही बताया, जैसे अपने अपने पास कोई आदमी खरीदने के लिए आया, अगर उसने अपने से नहीं खरीदा तो वो किसी और से तो खरीदेगा ही, वो खरीदने निकला है, दूसरों के पास भी वही चीज़ है, तो उसको ऐसे अच्छे से कन्विंस करो कि वो आपसे ही खरीदे, ठीक है। वो आया हुआ कस्टमर जाना नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कट थ्रोट का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को काटना, यहाँ पे यही है कि अपने पास नहीं खरीदा मतलब दूसरे से वो खरीदेगा, फिक्स है, तो उस इंसान को अपने को ही कन्विंस करना है, उसकी ज़रूरतें अच्छे से जान के पूछ के या मतलब अपने बातों से व्यवहार से जैसे भी उसे कन्विंस करना है, उसे सेटिस्फाइड करना है और मतलब अच्छा व्यवहार बनाना है ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए। जिस भी तरह से सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, तो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन इसी को बोलते हैं, जहाँ पे दूसरे को पता होता है कि अगर यहाँ से कोई निकल रहा है तो वो अपने पास आएगा, मतलब सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं वहाँ पे, वही वहाँ ही होती है गला काट प्रतियोगिता। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 11 जो आज पूरा हो गया है, और नेक्स्ट में अपन अगला न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे साझेदार को लाभ की गारंटी देंगे। तो लाभ की गारंटी देने का मतलब होता है कि अगर किसी साझेदार को व्यवसाय में बुलाया जाता है तो उसे एक मिनिमम प्रॉफिट तो अमाउंट दिया ही जाएगा, इस चीज़ की गारंटी ली जाती है। तो इसकी भी 3-4 कंडीशंस हैं, हो सकता है फर्म गारंटी दे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी दे, हो सकता है कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे। तो चलिए हम सीक्वेंस वाइज एक वन बाय वन इन सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो कंडीशन देख रहे हैं उसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2 में पार्टनर है, ठीक है। उन्होंने किसको एडमिट किया है? जेड को एडमिट किया है। जेड को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है? 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया है। जिसके बाद जेड को हमने गारंटी दी है 50,000 की, यानी 50,000 की हमने उसको गारंटी दी है। फिर क्या हो रहा है कि जब साल एंड हो रहा है तो साल एंड होने पे हमें फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? दो पार्टनर हैं ऑलरेडी जिनका रेशियो है 3:2, यानी एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। किसको एडमिट किया है? जेड को। कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है? 1/5 पार्ट के लिए। लेकिन उसको गारंटी फर्म कितनी दे रही है? 50,000 रुपये की उसको मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको मिनिमम 50,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं होगा तो भी आपको दिया जाएगा 50,000 रुपये। जबकि प्रॉफिट कितना हो रहा है पूरी फर्म में? 1,50,000 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इफ गारंटी गिवन बाय फर्म। अगर फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। एक मिनट सोचिए इसको कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। चलिए आपने कर लिया होगा, अगर नहीं कर सक रहे हैं तो चलिए देखते हैं, एक ट्रिक करते हैं। ट्रिक यूज करते हैं कि देखिए इसको कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है? जेड को 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया है, यानी कि किसी चीज का 1/5, है ना। तो 1/5 के लिए इसको एडमिट किया और कितने हजार की गारंटी दी है? 50,000। अगर एक पार्ट 50,000 है
तो पांच पार्ट कितने होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 50,000 इंटू पांच करेंगे, इसका मतलब अगर प्रॉफिट 2,50,000 रुपए होता है, कितना होता है, 2,50,000 रुपए होता है, तब इसको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर 2,50,000 से प्रॉफिट कम हुआ तो इसका मतलब इसको 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, अमाउंट कम होता जाएगा, लेकिन गारंटी वाले में तो इसको 50,000 रुपये देना ही देना है। लेकिन जो अमाउंट कम हो रहा है, इसका मतलब वो अमाउंट कम का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो पुराने साझेदार हैं उनके ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पत्र देखना है कि 2,50,000 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि इसको इसके 50 भी पूरे मिल जाएंगे और अगलों को भी अपना हिस्सा पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर इस अमाउंट से कम अमाउंट अगर प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब सामने वाले साझेदारों का पैसा कटेगा, क्योंकि गारंटी वाले में तो फिर ये फिक्स लेके रहेगा, यानी कि इसको इससे ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। सपोज अगर मान लो व्यवसाय के अंदर 3 लाख, अभी तो यहाँ 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यानी मान लो 50,000 का हुआ है, लेकिन अगर 3 लाख का प्रॉफिट होता तो 3 लाख का मतलब जब निकालते 60,000 होगा, तो इसको 60,000 दिया जाएगा, ना कि 50,000, यानी 50,000 नहीं देंगे, मिनिमम 50,000 दिया जाएगा। अगर ज्यादा बेनिफिट होगा तो 50,000 से ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन अगर कम हुआ बेनिफिट, यानी कि 2,50,000 रुपये से अगर कम हुआ तो उसको 50,000 ही दिए जाएंगे, लेकिन अगर 2,50,000 रुपए से ज्यादा बेनिफिट हुआ तो फिर इसको ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, गारंटी वाले में ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर देखने से अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट एक्चुअल में 1.5 लाख रुपए हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग 2,50,000 रुपए। तो क्या करोगे, इसको कम दोगे, नहीं इसको कम दे ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कम किसके हिस्से में पड़ेगा, ए और बी के, एक्स और वाई के हिस्से में पड़ेगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू वो देख लेते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 50,000 पूरे मिलते इसको, लेकिन अब 2,50,000 से प्रॉफिट कम है तो भी इसको 50,000 ही देने हैं, इसका मतलब कम किसके अकाउंट में होगा, एक्स और वाई के। तो यहाँ चलिए फॉर्मेट बना देते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट लिख रखा है, प्रॉफिट लिख रखा है, तो उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,50,000, 1,50,000 रुपए अपने को बेनिफिट दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बहुत इजी वे का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे टू, पहला पार्टनर है एक्स, तो टू एक्स कैपिटल, दूसरा कौन है वाई है, तो यहां लिख देंगे टू वाई कैपिटल, और तीसरा कौन है जेड है, तो यहां लिख देंगे टू जेड कैपिटल। तो हमें ये पता चल गया कि इसको 50,000 रुपए देने ही देने हैं इस 1,50,000 के अंदर से, ठीक है। तो अगर हम 1,50,000 के अंदर से 50,000 दे देते हैं, कितने, 50,000 अगर मैं दे दूं 1,50,000 रुपए में से, सी को मैंने 50,000 रुपए दे दिए, तो अब अपने पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,00,000 रुपए, यानी कि हमारे पास कितने बचेंगे, 1,00,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इस 1,00,000 को 3 और 2 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी एक्स और वाई के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्स और वाई के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन दोनों रेशियो को हम प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो डिवाइड होगा 5, मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो वो एक्स का हिस्सा आ जाएगा, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाई का हिस्सा आ जाएगा। तो 5,00,000 को जब 1,00,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे अपने 20,000, और जब 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 और 40,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 1,50,000 डेबिट साइड में और 1,50,000 क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। समझ में आया दोस्तों, कैसे किया, कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले जो 1/5 पार्ट दे रखा है उस 1/5 को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, जो गारंटी दे रखा है, अगर उतना अमाउंट या उससे ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट अगर वहां पर है तब तो ज्यादा वाला बेनिफिट मिलेगा किसको, जेड को,
लेकिन अगर उस अमाउंट से जो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो अमाउंट आया अगर उससे प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब सामने वाले जो पार्टनर से उनके हिस्से में से पैसा कम पड़ जाएगा, उनको कम मिलेगा, इसको तो गारंटी वाला अमाउंट ही देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो गारंटी वाले का है वो पूरा अमाउंट दे देना है। बचा हुआ जो इसमें से माइनस किया है आपने वाले 50,000 जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 50,000 माइनस कर देना है। बचा हुआ जो 1 लाख है वो x और y में x और y के रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करके उनके बीच में बांट देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी थी, जब गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, यानी कि गारंटी गिवन बाय फर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी हो। अब हम देखते हैं कि अगर गारंटी कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर देता है, यानी कि पर्टिकुलर एक पार्टनर में कौन आ रहा है कि गारंटी गिवन बाय एक्स, यानी कि एक्स यानी कि जिसका रेशियो ज्यादा है, यानी कि 3 पार्ट जो ले रहा है वो गारंटी दे रहा है किसको, जेड को। अगर तुम्हें 50,000 से जितना कम प्रॉफिट मिलेगा वो गारंटी कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, गारंटी गिवन बाय फर्म, फर्म के अंदर इन दोनों ने गारंटी ली थी, लेकिन अब कौन गारंटी ले रहा है इसकी, एक्स ले रहा है। यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है और गारंटी गिवन बाय एक्स, यानी पर्टिकुलर एक्स एक्स गारंटी ले रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उनके जो रेशियो है वो रेशियो सिंपल कर देने हैं, सॉल्व कर लेना है कि नए रेशियो क्या बनेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एज्यूम डेट अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज है तो 1 में से अगर 1/5 में जेड को दे देता हूं तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5 बचेगा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। माना कि कुल लाभ 1 रुपया है, अगर 1 रुपये में से मैं जेड को उसकी हिस्सा 1/5 दे देता हूं तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 4/5, और ये 4/5 किस किस का है, एक्स प्लस वाई का, यानी इन दोनों का हिस्सा है ना। अब मैं क्या करूंगा, जो ये हिस्सा बचा हुआ है ये इन दोनों के हिस्से में पुराने अनुपात में डिवाइड कर दूंगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू एक्स का पार्ट, यानी कि एक्स का पार्ट कितना है 3/5, ये आ जाएगा एक्स का न्यू रेशियो और ये आ जाएगा वाई का न्यू रेशियो। तो वाई का क्या रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है आपका बचा हुआ लाभ है इंटू उसका हिस्सा कितना है 2/5, ठीक है। देखिए 4/5 जो बचा हुआ लाभ है एक्स और वाई का है ना, ये देखिए ये यहां लिखना है और ये वाले कहां से आ रहे हैं, इनके रेशियो आ रहे हैं ना, इसका 3 है, इसका 3 है, वाई का 2, ये वाई का 2। अब आपको इसको सिंपल करना है तो सिंपल करेंगे 4 × 3 करेंगे कितना आएगा 12 और 5 × 5 करेंगे कितना आएगा 25। सेम इसी तरह से 4 × 2 करेंगे कितना आएगा 8 और 5 × 5 करेंगे कितना आएगा 25, ठीक है। तो ये इन दोनों के न्यू रेशियो हो गए। अब जेड को भी साथ में लेंगे तो जेड का कितना पार्ट है 1/5 है। अब देखिए यहाँ डिनोमीटर यानी कि हर हर जिसको नीचे की संख्या बोलते हैं, ये भी 25 है, ये भी 25 है, अगर इसको 25 करना हो तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं इस नंबर से तो 25 आ जाए, वेरी गुड 5। मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 25 आ जाएंगे। तो जो 5 आपने नीचे डेनोमीटर में लिख रखे हैं यानी हर में लिख रखे हैं उसी को अंश में लिखेंगे यानी न्यूमरेटर में लिखेंगे 5, और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 5। अब हमारा ये रेशो सही है या गलत आंसर चेक कर लेते हैं कि जो आपने डेनोमीटर है अपना हर है यानी कि नीचे वाला नंबर है डेनोमीटर है उसकी टोटल ऊपर वाले नंबरों की टोटल के बराबर हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ हमने क्या लिया है 25, क्या लिया है 25, तो यानी कि 12, 8, 20, 20 और 5, 25। तो ये अगर टोटल मिल जाती है तो इसका मतलब हमारा रेशियो सही है। तो इसका मतलब न्यू रेशियो हमारे क्या बना 12, 8 और 5, जिसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। रेशियो क्या है 12, 8 और 5, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 12, 8 और 5 को। समझ में आ गया आपको 12, 8, 5 कैसे आया। अब देखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट तो आपको पता ही है क्या आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या चीज लिखी जाएगी आपको पता है, वेरी गुड, क्या लिखेंगे प्रॉफिट, यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो या बाय पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं ना, या प्रॉफिट
कितना लिखेंगे, 1,50,000 यानी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 रुपए का बेनिफिट आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड को एज इट इज लिखना है। तो आपको पता है कि ये 50,000 रुपए से, मतलब 50,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2,50,000 रुपए होने चाहिए। क्या 2,50,000 रुपए है वहां पर बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब इसको तो 50,000 अगर पूरे दोगे तो इसका मतलब किसी न किसी के हिस्से से वो अमाउंट कटेगा। अब किसके हिस्से से कटेगा, यहाँ एक्स के हिस्से से कटेगा, क्योंकि ये सारी गारंटी एक्स ले रहा है। तो एक्स का जब अपन यहाँ अकाउंट लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे लेस गारंटी टू, इसको दे रहे हैं गारंटी जेड को, गारंटी टू जेड। अब ये अमाउंट लिखने के बाद, ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का जितना कैपिटल होगा, अब ये तो पता है कि पैसा कम हो रहा है तो कटेगा, किसके अकाउंट से कटेगा, एक्स के अकाउंट से पैसा कटेगा, यहां लिख देंगे टू जेड। फिर वाई ने तो गारंटी दी नहीं, इसलिए वाई को तो उसके हिस्से का पूरा पैसा मिलेगा, यहां लिख देंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट। और अब नेक्स्ट आएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट, और यहां पर इसको क्या है कि जितना एक्चुअल अमाउंट इसके हिस्से में आ रहा है वो तो इसको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो गारंटी वाला रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि जितने की गारंटी दे रखी है उससे अगर कम अमाउंट जो मिल रहा है वो यहां पर जोड़ा जाएगा। ध्यान लिखा जाएगा एड गारंटी बाय, गारंटी किसने दी है, एक्स ने, यहां लिखा है गारंटी टू जेड और यहां गारंटी बाय एक्स लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो थे इनके 12, 8 और 5, ओल्ड रेशो से अब हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमने इनको सिंपल करके और नए रेशो बना लिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि अपने पास जो प्रॉफिट है कितने रुपए का, 1,50,000 का। तो 1,50,000 को देखिए कैसे करेंगे, कि हमारे पास 1,50,000 प्रॉफिट है ना, इसको डिवाइड करेंगे इन रेशो में, इनकी टोटल क्या हो रही है, 12 और 8, 20 और 5, 25, कितनी हो रही है, 25, ठीक है, 25 टोटल हो गई और इनके रेशो की। अब आपको क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है 1,50,000 से। जब 25 को आप 150 से डिवाइड करोगे 6 बार हो जाएगा, और रिमेनिंग जीरो कितने बचे आपके पास, 1, 2 और 3, 6,000 आपके पास बचे। अगर मैं इन 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 से, तो एक्स का पार्ट आ जाएगा, तो कितना अमाउंट आएगा, 72,000, कितना आ जाएगा, 72,000 यानी 72,000 रुपए। अगर इन 6,000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 48,000 जो अमाउंट आएगा, 48 जो यहां पर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं, 48 सीधा इसके अकाउंट में बाहर लिख देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब अमाउंट क्या क्या आएंगे वो अपने को लिखना है ना। तो यहाँ देखिए, जब मैंने वाई का पार्ट जो है 8, उसको 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो 48,000 हो गए, यानी 48,000 हो गए जो मैंने वाई के कैपिटल अकाउंट में लिख दी। अब बचा कौन, जेड, जेड का पार्ट कितना है, 5, और 5 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 30,000, कितना होगा, 30,000, तो यहाँ लिखेंगे 30,000, ठीक है। अब दोस्तों ये देखना है आपको कि इसके अकाउंट में 72,000 आ गए, इसके 48 यानी 48,000 आ गए और इसके 30,000 आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गारंटी में कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, एक्स को गारंटी कितने अमाउंट की दी गई है, 50,000 की, तो कितना कम पड़ रहा है, इसको 30 तो मिल ही रहे हैं, इसके हिस्से में तो 30 आ ही रहे हैं, यानी कि 20,000 और कम पड़े, यानी कि 20,000 अगर आप यहाँ लिखते हैं तो 20,000 इसके अकाउंट से माइनस किए जाएंगे, ठीक है। तो 20,000 जब 72,000 से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसके बाहर कितने आ जाएंगे, 52,000, यानी एक्स को 52,000 यानी 72 बेनिफिट हो रहा था लेकिन इसने गारंटी ले ली, तो गारंटी की वजह से इसके 20,000 कम पड़ गए, जो हमें लिख देना है बाहर 52,000 रुपए। और 30,000 रुपए जेड को मिल रहे थे लेकिन गारंटी 50 की थी, इसलिए 20,000 इसको और मिलेंगे और इसकी भी हो जाएंगे 50,000। तो इस तरह से जब हम टोटल करेंगे 48, 52 और 50, तो ये हो जाएंगे आपके 1,50,000, कितने हो जाएंगे, 1,50,000, ठीक है। तो दोस्तों
ये वीडियो, ये जो था क्वेश्चन हमारा एक्स वाई जेड, ये था पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दे रखी है। किसने दे रखी है? पर्टिकुलर पार्टनर ने। और जब कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका रेशियो निकाल देने हैं और जो भी बेनिफिट है वो रेशियो में डिवाइड कर देना है। फिर देखना ये है कि जिसको गारंटी दी है और जिसने गारंटी, जिसको गारंटी मिल रही है और जो गारंटी दे रहा है बस उनके अंदर ही चेंज होगा, बाकी जो गारंटी नहीं देता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा उसके हिस्से का। अब आपको क्या करना है कि जितना अमाउंट कम पड़ रहा है सामने वाले के अकाउंट से माइनस कर देना है। पहले तो ये देखना है कि एक्चुअल में मिल कितना रहा है और जितना कम पड़ रहा है वो अमाउंट यहाँ लिख करके प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, उसके अकाउंट से माइनस करके अपन डिलीट करके, और इस तरह से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। है ना, कितना ईजी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए ताकि हम अनसॉल्व क्वेश्चन जो हैं उनके वीडियो बना करके आपको दें। इसलिए आप क्या करेंगे, जल्द से जल्द अगर कमेंट करेंगे तो हम उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो का बेनिफिट उठा लें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।